प्राइम न्यूज आपके साथ मैं हूँ शशि प्रिया, हाजिर हूँ ताज़ा अपडेट्स के साथ। और इस वक्त हम बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी की संपत्ति की। जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी की संपत्ति को लेकर सभी के दिमाग में कई सवाल गूंजते रहते हैं कि आखिर पीएम नरेंद्र मोदी की संपत्ति कितनी है। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी जब भी जनसभा करते हैं या फिर किसी रैली को संबोधित करते हैं तो वो अक्सर खुद को चाय वाला बताते हैं और अक्सर यही कहते हुए सुने जाते हैं कि उनके पास संपत्ति नहीं है। लेकिन रियल में उनके पास कितनी संपत्ति है और कितने करोड़ के वो हकदार हैं, कितने मकान हैं, इन तमाम चीज़ों की जानकारी हम आपको देंगे अपनी एक स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। तो चलिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करते वक्त हलफनामे में जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक पिछले 5 साल में पीएम की संपत्ति में 50% इजाफा हुआ है। पीएम मोदी के हलफनामे के मुताबिक मोदी की कुल चल अचल संपत्ति 2,51,36,119 रुपया है। वहीं उनकी कुल चल अचल संपत्ति 1,65,91,582 रुपए थी। वही बात अगर पीएम नरेंद्र मोदी के गुजरात के गांधीनगर स्थित घर की कीमत की करे तो उसकी कीमत 2014 में 1 करोड़ बताई गई थी, जबकि इस बार इसकी कीमत 1.10 करोड़ बताई गई है। घर के अलावा पीएम मोदी ने सोने की 4 अंगूठियों की कीमत 1,13,800 रुपए बताई है। वहीं 2014 में 45 ग्राम की इन अंगूठियों की कीमत 1,35,000 रुपए बताई गई थी, यानी पिछले 5 साल में इन अंगूठियों की कीमत 21,200 रुपए घट गई है। नामांकन में पेश किए गए हलफनामे के मुताबिक गांधीनगर स्थित SBI बैंक खाते में उनके 4,143 रुपए हैं। वहीं FD में 1,27,81,574 रुपए हैं। 7,61,466 रुपए की NSE और 1,90,347 रुपए की LIC है। इसके साथ ही एक कंपनी में पीएम मोदी के 20,000 रुपए के शेयर भी हैं, वहीं 38,750 नकद बताए। बात अगर पीएम मोदी के 2014 की रिपोर्ट कार्ड की करें तो हलफनामे में 32,700 रुपए कैश, 58.54 लाख रुपए बैंक खातों में जमा रकम, 20,000 रुपए के कंपनी में शेयर, 2.35 लाख रुपए की NSE और 1.99 लाख रुपए की LIC बताई गई थी। अब इसे देख सोच और समझ कर आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि कितना फर्क है दोनों में। SPN9 न्यूज की रिपोर्ट। तो आपने देखा समझा कि किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा आयोग को सौंपा है। आयोग के द्वारा तमाम जो उम्मीदवार हैं उन सब से संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया था और इस दरमियान पीएम नरेंद्र मोदी ने जो आपने रिपोर्ट देखी है ये ब्यौरा दिया है। ये ब्यौरा कितना सच है और कितना झूठ इसका आंकलन आप खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि जनता सब जानती है, उसे सब समझ में आता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 26 अप्रैल को नामांकन किया और वहां पर उससे पहले जनसभा को भी संबोधित किया, मेगा रैली की, काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था उनके मेगा रोड शो को देखने के लिए। और उससे पहले उन्होंने पूजा अर्चना भी की, भोले बाबा को मनाने की पूरी कोशिश की है। और सिर्फ भोले बाबा ही नहीं, भैरवनाथ के भी दर्शन और पूजा अर्चना किए, उनका आशीर्वाद उन्होंने लिया। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या भगवान भोलेनाथ खुश होंगे, एक बार फिर से वाराणसी की जनता उन्हें प्रचंड बहुमत देगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल SPN9 न्यूज़ में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।